दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जब तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी आए हैं जी एक पाकिस्तानी हिंदू वेडिंग में, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे पाकिस्तान में जो है वो हिंदूज किस तरह अपनी जो है वो सगाई करते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, क्या डांस करते हैं, और सब जो है ना आपको इस ब्लॉग में आज देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली में ये जो है एक पाकिस्तानी हिंदुओं की एंगेजमेंट है, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं पीले चौवर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जब घर पहुंचते हैं ना वापसी, तो इस तरह से स्वागत किया जाता है। आने वाले मेहमानों का स्वागत करें। पैसे तो हमारे पास है नहीं अभी, हम कैसे दें? देख सकते हैं हमने शादी के दिन अब रख लिए हैं, और अब हम वापसी घर को जा रहे हैं। और अगर बात करें गाड़ियों की, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी हिंदू कहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ वगैरह ले जा सकते हैं, सो ट्रैक्टर पे ही काम चलेगा। सॉन्ग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं। ये के हैं हम घर जा रहे हैं, आपको इस जहाँ पे हम आए थे उधर का मॉर्निंग एरिया देख सकते हैं आप, और इधर इन्होंने कमाद लगा के रखा हुआ है। ये देखो गाइस, कमाद गाय भैंस के लिए लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये गाड़ी अब रवाना हो चुकी है। सो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं जी लड़की वालों के घर, और वहाँ पे चल के ये कुछ मतलब के रिवाज होते हैं, रस्म रिवाज होती हैं कि सब जो है वो जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, और एक धूप सा जो है वो बीच में रख देते हैं, उसके अंदर जो है वो आग जलाई जाती है, और उसके बाद जो है वो और उसके बाद गाइस आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं की सिचुएशन क्या है, हिंदुओं की हेल्थ कैसी है। ये कुछ जो है वो प्लेटें वगैरह, इसके अंदर प्रसादी होती है, प्रसादी की मान के चलो कि कुछ खोपरे हो गए, नारियल हो गए, और कुछ कैंडीज़ हो गई, और कुछ जो है वो सेब वगैरह, जैसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो लोग जब ऐसे एंगेजमेंट करते हैं तो वो शगुन लेके जाते हैं, तो सेम एज ये ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी हिंदूज़ भी। तो ये जो है वो कुछ शगुन लेके गए हैं लड़की वालों के घर, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे कुछ रिवाज होते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं के। कि देखें सब जो है वो बैठे हैं, बड़े बड़े जो बैठे हैं, बाकी ऊपर खड़े हैं, और ये अभी प्रसादी ये जो है वो भोग लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो प्लेटें एक दूसरे को देंगे, और बाद में जो है वो सबको ये जो सब के सब खड़े हैं इन सबका मुंह मीठा कराया जाएगा। और इनको हम ना मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कि जी आज हम आए हैं जी एक लड़के के पीले चौल करने। सो यू कैन सी ये खाली प्लेटें दे रहे हैं लड़की वाले जो है वो लड़कों को और लड़के वालों को दे रहे हैं, और उसके बाद ये सब जो है वो प्लेटें शगुन से भर के देंगे जी लड़की वालों को, और प्लेटें भर के बाद में जो है वो ये लड़की वालों के घर ले जाएंगे, वो बाद में खाएंगे पिएंगे, और जो भी कुछ गेस्ट वगैरह आएंगे उनको देंगे। सो होप कि आपको आज का ये ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और एक्चुअली में ये ब्लॉग ये ब्लॉग शूट हुआ जी पाकिस्तान से, और बट आई एम नाउ इन इंडिया, इस वक्त मैं जो है वो इंडिया में स्टे कर रहा हूँ, विज़िट के लिए आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रस्म सी होती है, ये बीच में आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा धूप पड़ा है, और आसपास जो है वो ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हैं, और बड़े बड़े लोग आएंगे, जो मतलब कि ये आपको मैं बताता चलूँ कि जो लड़के वाला और लड़की वालों के बीच जो एक बंदा होता है ना, वो जो है वो इस वक्त बीच में बैठा हुआ है, और एक साइड जो है वो लड़की के पापा बैठे हैं,
और एक साइड जो है वो लड़की के पापा भी बैठे हैं। तो होप के जो है वो आपको पसंद आएगी ये हमारी सारी ये रस्में देख के। तो मैं भी जो है वो यही रस्में जो है वो अदा करके आया हूँ, ये मैंने सारी की सारी रस्में देखी हैं। सो अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और देख सकते हैं। और इसके बाद ये कुछ ये देखें ऐसे करके धूप होते हैं, सात बंदे थाली को पकड़ते हैं और ऐसे कुछ करके धूप करके बीच बाद में जो थाली को नीचे रख देते हैं। और ये देखें अभी पानी लेंगे और पानी के बाद जो है वो पानी से और अभी जो है वो लास्ट स्टेज पे ये काम होने वाला है और ये सब हो के बाद में होगा जी डांस। एंड उसके बाद ये लोग करेंगे डांस, हम लोग भी वीडियो से एंजॉय करेंगे, आप भी वीडियो से एंजॉय कीजिएगा बिकॉज लाइव तो मैंने भी नहीं जाके देखा, तो वो भी शगुन वगैरह दे रहे हैं। सो इसके बाद होगा जी डांस, फाइनली यू कैन सी। अरे भैया क्या डांस हो रहा है यार। तो ये एक्चुअली में ये डांस जो है ना वो आपको सराइकी कल्चर के अंदर देखने को मिलेगा, बट उसी को देखते देखते जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदूज भी उन कल्चर की जो उस टाइप का डांस कर रहे हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे कोई डांस करते हुए जब कोई डांस करता है तो ये मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी इंजॉय करता हूँ। सो बेस्ट डांस हो रहा है यार इन लोगों का। और ये बीच में जो है ना वो एक लेडी खड़ी है, ये डांसर ही होती है एक्चुअली में। तो फाइनली डांस वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद जो है वो होगी सबकी पेट पूजा है। और दो लोग जो है वो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तानी में जो है वो खाना किस तरह खिलाया जाता है। दो लोग जो है वो देगी होती है उसके ऊपर बिठाया जाता है, वो जो है वो डिसिप्लिन के साथ जो है वो सबको जो है वो एक एक प्लेट देती हैं और उसके बाद ऐसे करके कुछ चारपाई वगैरह सब जो है वो ऐसे डाल देती हैं और सब उसके ऊपर बैठ जाते हैं और एक एक प्लेटें एक चारपाई के ऊपर रख देते हैं, तीन चार प्लेटें और तीन चार बंदे जो है वो चारपाई के ऊपर बैठ जाते हैं एक चारपाई के ऊपर। और बाद में देखें हर कोई अपनी अपनी फ्रेंडशिप लगा के बैठा है बूढ़े लोगों के साथ और बाकी जो यंग लोग हैं वो यंग लोगों के साथ बैठे हैं, लड़के बैठे हैं और जो बूढ़े हो चुके हैं वो बूढ़े लोग बैठे हैं। सो देखें कि एज ऐसे होते हैं, प्लेटें वगैरह होती है और देखें ये एक्चुअली में जो है वो मेरा नाना लगता है। तो ये जो है वो अभी चावल खा रहे हैं और ये यहाँ पे आप लोगों को डांसर्स देखने को मिलेंगी और ये साथ में एक लेडी बैठी हुई, एक्चुअली में लेडी नहीं है एक्चुअली डांसर ही है। सो देखें सब लोग इकट्ठे होके बैठे हैं और खाना वाना खाएँगे और ये है जी मेरा मामू। सिगरेट पी रहे थे यहाँ और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यंग लड़के बैठे हुए, मतलब कि जैसा कि आपको बताया कि फ्रेंडशिप लगाते हैं, कोई किसी के साथ लगाता है, अपने के साथ दोस्त के साथ लगा देता है। और ये देखें भैया के साथ प्लेट खाली हो चुकी है, सो ऊपर से एक बंदा आ गया जी इनको ये चावल वगैरह देने के लिए। और ये जो है ना वो गाइज एक्चुअली में जिस बंदे की आज एंगेजमेंट है दूल्हे के ताए का जो वो ये लड़का है ये ग्रीन जो है वो कमीज़ वाला। सो देखें एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे से खाते हैं और ये पूरी वगैरह भाई पता नहीं क्या लेके बैठा है। हाँ इसके अंदर नमकीन है, ये चावल के ऊपर जब रखते हैं सो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखें सब फ्रेंडशिप लगा के बैठे हैं, हेलो भैया हम मज़े कर रहे हो यार। सही बात है भैया, सब लोग बैठे हैं, मेरा मामू भी खा रहा है। सो होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।